आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पे इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर हमने मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम जो हमने ऑब्जेक्टिव जो पहले वीडियो में समझे थे, जो मेनली थे प्राइस स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को बैलेंस रखना। तो अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब करना, कम है तो लिक्विडिटी के फ्लो को बढ़ाना। अब जो हमने वो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, मेन ऑब्जेक्टिव जो प्राइस स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी था, उसको कैसे आरबीआई अचीव करती है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके लिए आरबीआई के पास क्या टूल्स है, या टूल्स ना कहो तो इंस्ट्रूमेंट्स कह दो, या क्या मेथड्स या क्या मेजर्स आरबीआई लेती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, उसको हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन में अगर टूल्स आए, इंस्ट्रूमेंट्स आए, मेथड आए, मेजर्स आए कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या टूल्स, क्या टेक्निक्स, क्या या इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड्स या क्या मेजर्स आरबीआई लेती है, तो हम ये उस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड का वो जनरल मेथड भी कहते हैं, जो मेन तो आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वालिटेटिव ही मेथड यूज करती है, और क्वांटिटेटिव मेथड जो होता है वो सेलेक्टेड अगर सेक्टर्स के लिए अगर लिक्विडिटी का कंट्रोल सेलेक्टेड सेक्टर या इंडस्ट्रीज में करना होता है तो क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड या सेलेक्टिव मेथड यूज करती है। इसका मेथड का नाम ही सेलेक्टिव है, मतलब पर्टिकुलर कोई सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स के लिए काम में लेते हो। और जनरल मेथड होता है उसके अंदर, या क्वालिटेटिव मेथड होता है उसके अंदर, पूरे देश में लिक्विडिटी को अगर एक साथ सारे सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लिक्विडिटी ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो क्या होता है, जनरल मेथड को यूज में लेंगे उसके अंदर। आरबीआई क्या करेगी, पूरे देश के अंदर से लिक्विडिटी, सारे सेक्टर्स के अंदर से लिक्विडिटी को कम कर लेगी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड, ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं होते, ये पूरी कंट्री पे एक साथ इफेक्ट्स में आते हैं। और उसके अंदर पहला जो इंस्ट्रूमेंट है या टूल्स है वो है बैंक रेट। बैंक रेट हमने क्या होता है, बैंक रेट ये होता है जिसपे बैंक्स के या कॉर्पोरेट्स के जो बीस वगैरह होते हैं उसको रीडिस्काउंट्स की जो रेट होती है वो बैंक रेट होती है। अब इंडिया में हमने देखा था, डिस्कस किया था मनी मार्केट, उसके अंदर हमने डिस्कस किया ही था कि बिल्स वगैरह अपने बैंक से वो वापस आरबीआई से रीडिस्काउंटिंग करवाती है। अब अगर ये रेट कम होगी तो क्या होगा, आरबीआई से अगर बैंक्स को पैसे की नीड होगी तो बैंक क्या करेगी, बिल्स वगैरह होगा, रेट कम होगी तो उसको डिस्काउंट करा लेगी और अपने पास लिक्विडिटी अर्न कर लेगी और उससे लोगों को वापस क्रेडिट देगी, लोन देगी। तो आरबीआई क्या करती है, जब अगर देश के अंदर क्या हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो, लिक्विडिटी ज्यादा हो, तो बैंक रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। तो क्या होगा, आरबीआई जब बैंक रेट को बढ़ा देगी तो जो देश के अंदर कॉमर्शियल्स या बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स या कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स है, वो आरबीआई से क्या करेंगे, बिल्स वगैरह डिस्काउंट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा होगी। तो क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा रेट पर डिस्काउंट करेगी तो बैंक्स को भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करनी पड़ेगी, या फिर बैंक के पास क्या होगा, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स के पास जो लिक्विडिटी आ रही थी ये रीडिस्काउंटिंग से वो आ नहीं पाएगी। तो इस केस में क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और अब आरबीआई क्या करती है, अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल करना हो तो बैंक रेट को बढ़ा देती है, अगर लिक्विडिटी ज्यादा हो तो क्या करेगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी, और अगर लिक्विडिटी अगर देश के अंदर कम हो तो क्या करेगी, बैंक रेट को बहुत ज्यादा कम कर देगी, जिससे बैंक्स वगैरह कम रेट पे अपने बिल्स वगैरह को डिस्काउंट करा सकेंगे और बैंक्स के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिससे वो आगे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दे पाएगी। तो बैंक रेट ये काम में आती है। लेकिन हमने मनी मार्केट को डिस्कस किया था, तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया में क्या है कि मनी मार्केट इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलपिंग फेज के अंदर है, लेकिन पूरी रूप से डेवलप नहीं हुआ जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो बिल मार्केट के अंदर क्या है, बिल मार्केट इंडिया में बहुत कम है, तो बिल्स वगैरह डिस्काउंट करने का ये काम इंडिया में वैसे भी बहुत कम होता है। आपने भी अपने बैंक्स वगैरह में देखो, बैंक्स बिल्स वगैरह कम ही लेती है, आपस में बिल्स भी कम लिखती है, या कॉर्पोरेट सेक्टर्स के भी बिल्स वगैरह लिखने का चलन ही नहीं है। तो जब बैंक्स के पास डिस्काउंट ही नहीं करेगी तो वापस रीडिस्काउंटिंग के लिए आरबीआई के पास जाएगी नहीं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव बैंक रेट्स रह नहीं गई, इंडिया में रहती नहीं है बैंक से इफेक्ट ज्यादा, क्योंकि
बिल मार्केट, स्ट्रॉन्ग बिल मार्केट ही नहीं इंडिया में, तो बैंक रेट्स कैसे एक इफेक्टिव टूल होगा। सेकेंड टूल ले लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर यह होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है वो क्या है, आरबीआई के थ्रू इशू करती है, और ये बहुत ही ना सेफ इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पीछे रहती है तो सेफ्टी तो रहती है। जब आरबीआई इसको इशू करती है तो बैंक्स वगैरह जो अपने डिपॉजिट्स होती है उसको क्या करती है, इसमें इन्वेस्ट कर देती है, और आरबीआई जब चाहती है जब वापस बैंकों से खरीद भी लेती है इन बॉन्ड्स वगैरह को और बैंक्स को पेमेंट कर देती है। तो क्या होता है, ये बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं बहुत सेफ होते हैं। अब आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर अगर लिक्विडिटी का फ्लो ज्यादा है मार्केट के अंदर, बैंक्स बहुत ज्यादा लोन्स क्रेडिट दे रही है, तो बैंकों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, उन बॉन्ड्स को जारी कर देती है। तो बैंक क्या होता है, उन बॉन्ड्स को खरीद लेता है और बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाती है क्योंकि जो लोन में पैसा दे रही है वो पैसा डिमांड्स का, वो पैसा कहाँ चला जाता है, उसमें चला जाता है। बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट जो होती है उसका पैसा उनमें इन्वेस्ट हो जाता है, तो बैंक ज्यादा लोन या क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवा पाती। अगर लिक्विडिटी कम होती है मार्केट के अंदर, रिसेशन की सिचुएशन है, तो आरबीआई क्या करती है, वो बॉन्ड्स को क्या करती है, वापस बाईबैक करना शुरू कर देती है, और बाईबैक करके बैंक्स को पैसा, बैंक को जो मनी है वो दे देती है, पैसा दे देती है। तो उसके अंदर क्या होता है, बैंक के पास लिक्विडिटी आ जाती है, बैंक ज्यादा फंडिंग कर पाते हैं। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसके अंदर क्या करती है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको सेंट्रल बैंक बेचती है, खरीदती है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर होता है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे बैंक रेट की मैंने कहा कि अभी बिल मार्केट इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसे ही ओपन मार्केट के अंदर ये है कि बैंक क्या होती है कि डिमांड डिपॉजिट बढ़ा लेती है। जब बैंक के पास, अगर बैंक इसमें इन्वेस्ट कर भी देती है बॉन्ड्स वगैरह में, तो बैंक क्या करती है, बैंक और डिपॉजिट ज्यादा बढ़ा लेती है। बैंक्स क्या, लोगों को और ज्यादा स्कीम दे दे के पैसा और ले लेती है, तो बैंक्स के पास क्या क्रेडिट कम होती नहीं है, या फिर क्या होती है ना, बैंक्स उनको खरीदने में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। बैंक्स अगर ज्यादा लोन पे इंटरेस्ट देने दे पा रही है मार्केट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट रेट कम है, बैंक इंटरेस्टेड ही नहीं होती कि उन सिक्योरिटीज को खरीदे। तो कई बार क्या होता है, ये इफेक्टिव टूल साबित नहीं होता है, मतलब ये पार्शियली इफेक्टिव होता है बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन लास्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिजर्व रेशियो, जो 1950s में अमेरिका वगैरह से आया है, तो अब इंडिया में भी रिजर्व रेशियो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आते हैं सारे बैंक्स, बैंक में इंडिया में जो भी बैंकिंग या बैंकिंग कंपनीज है वो, उनको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। ये हमने आरबीआई चैप्टर पढ़ा था या फिर ना मनी मार्केट पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने डिस्कस कर ही लिया था कि सारी बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को ये आदेश दे देती है, ऑर्डर दे देती है, या उसके रूल्स बना देती है जिसके अंदर बैंक्स को सर्टेन परसेंटेज रिजर्व्स के रूप में अपने डिमांड डिपॉजिट्स का, अपने डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, या कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने डिमांड डिपॉजिट्स का कैश में या नियर कैश मनी में या गोल्ड में या फिर ऐसे इस सिक्योरिटीज में अपने पास रखना होता है, उसको क्या कहते हैं, SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, या तो CRR या SLR, ये दो रिजर्व रेशियो होते हैं। इसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा है बैंक के पास तो आरबीआई क्या करती है, इन रिजर्व्स को बढ़ा देती है। जैसे CRR है जो 4-6% के बीच में रहता है, तो अगर 5% है, अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो उसको क्या करेगी, बढ़ा के 6% कर देगी। अब क्या होगा, बैंक्स वगैरह को क्या करना पड़ेगा कि अपना ना जो डिमांड डिपॉजिट है उसका सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखना पड़ेगा रिजर्व्स के रूप में, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और SLR के रूप में अपने पास रखना पड़ेगा। SLR 20-25% के बीच में रहता है, तो उसको बढ़ा दे दिया जाएगा, दोनों को रिजर्व को बढ़ा दे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। तो ये जो है ये बहुत इफेक्टिव टूल है, अगर कंपेयर करें बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन से तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि रेशियो जो रखना पड़ता है वो तो सारी बैंकों को ही रखना पड़ता है, CRR भी रखना पड़ता है, SLR भी रखना पड़ता है। अगर बैंक्स उसमें चेंजेस कर देती है तो सारी बैंक्स के अंदर क्या होते हैं, लिक्विडिटी का काफी बड़ा हिस्सा कंट्रोल में आ जाता है। तो कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुरी लिक्विड रेशियो,
ये दोनों रेशियो है, इसके थ्रू बैंक्स, आरबीआई है जो बैंक्स का अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। ये तीनों जनरल मेथड है, इसमें क्या होता है, तीनों मेथड में पूरे देश से ही जो मनी का फ्लो है वो कंट्रोल होता है। अब सेलेक्टिव मेथड, सेलेक्टिव मेथड के क्या अंदर क्या है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज के अंदर अगर कंट्रोल करना हो तो ये मेथड यूज में लेते हैं। इसके अंदर पहला है डिस्क्रिमिनेटिव इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या करती है, किसी सेक्टर के लिए अलग इंटरेस्ट रेट कर लेती है, किसी सेक्टर के लिए अलग इंटरेस्ट रेट कर देती है। अब जैसे एग्रीकल्चर में अगर पैसे की कमी है तो उस सेक्टर की इंटरेस्ट रेट बैंक कह देती है कि नहीं 4% से दे दो। अब किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रही है, कार मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ज्यादा कार बाइंग कर रहे हैं, तो क्या करेगी बैंक्स, उसके अंदर क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट ऑटो के लिए बढ़ा देगी। उसके अंदर क्या होगा, अब इंटरेस्ट रेट ऑटो लोन के लिए बढ़ गई तो लोग जो लोन फाइनेंस पे जो ऑटो सेक्टर्स में जो सेल हो रही थी वो कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि लोग फाइनेंस पे गाड़ी ले नहीं पाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट अलग कर देती है। इससे क्या, एक पर्टिकुलर सेक्टर, इसका नाम ही मेथड्स के नाम क्या, सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव क्या, ऑटो सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके अंदर हम मनी के फ्लो को ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन के रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि मार्जिन फिक्स कर देती है बैंक्स, कहना इतने परसेंट ही लोन देना है। जैसे आता है ना ऑन रोड फाइनेंस आता है, कभी कभी आपने एड देखे होंगे ना एडवर्टाइजमेंट, कभी लिखा होता है ऑन रोड फाइनेंस, कभी लिखा होता है 90% फाइनेंस। अगर अब बैंक्स अगर आरबीआई कहते कि नहीं व्हीकल्स वगैरह में या ऑटो में जो भी लोन करने हैं उसमें 75% से ज्यादा नहीं करना है, तो क्या होगा, लोगों को बहुत ज्यादा डाउन पेमेंट लेके आना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, और अगर 0% फाइनेंस होता है तो लोगों के पास बिल्कुल भी डाउन पेमेंट भी नहीं है, तो भी वो इंस्टॉलमेंट्स में जाके फाइनेंस के थ्रू ले लेते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू भी होता है कि क्रेडिट को सेलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। अब थर्ड है डायरेक्टिव, डायरेक्शन दे देती है बैंक्स कि इस इंडस्ट्रीज को ऐसे लोन देना है, इस इंडस्ट्रीज को कम देना है, सीधा ही सीधा डायरेक्शन दे देंगे भाई, जो ये जैसे सौर ऊर्जा के अंदर है इस पे क्या होता है, डायरेक्ट ही करते हैं बैंक्स को कि इस पे ना सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा दे, या आरबीआई कहते हैं कि इस पे सब्सिडी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको प्रमोट करना है सेक्टर को, ऐसे डायरेक्शन ही दे दे सीधा सीधा कि इस इंडस्ट्रीज को कम रेट पे देना है, इस इंडस्ट्रीज को ज्यादा रेट पे देना है। अब ये तो बैंक्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि किस इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ाने, कोई कोई इंडस्ट्रीज ऐसा होती है कि ना इकोनॉमी में योगदान तो दे रही है लेकिन वो क्या करती है, उसके कुछ बैड इफेक्ट भी होते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज को क्या करती है, डिक्रीज करने के लिए उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, तो सीधे सीधे डायरेक्शन भी दे सकती है। अब ये फोर्थ है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग के अंदर क्या कर देती है गवर्नमेंट, कहना बांट ही देती है बैंक्स को कि इतने परसेंट एग्रीकल्चर के लिए, इतने ऑटो के लिए, इतने होम लोन के लिए, इतना आप अपने जनरल लोन देने के लिए, बिजनेस लोन देने के लिए यूज कर सकते हो। तो पहले ही बैंक ने बांट ही दिया है, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर बैंक से ना बैंक्स का जो भी होगा वो सेलेक्टिव उसके लिए होगा। अगर बैंक से आरबीआई चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिले तो एग्रीकल्चर में क्या होगी, रेशनिंग को बढ़ा देगी, क्रेडिट को बढ़ा देगी। अगर आरबीआई चाहे कि नहीं बिजनेस ज्यादा इंडस्ट्रीज है जो कम बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, तो उसमें लोन का जो परसेंटेज है वो बढ़ा देगी, तो क्या कर देगी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर देती है, जिस सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करना होता है उसमें ज्यादा क्रेडिट का हिस्सा बढ़ा देती है। फिफ्थ है मॉरलिटी। मॉरलिटी भी काम करता है मॉरल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इसके थ्रू मॉरलिटी भी एक काम करता है फंक्शंस की, है ना, बैंक्स वगैरह को कह देती है कि नहीं इन सेक्टर्स को या ये जो कंट्रीज को हार्म कर रहे हैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, या पब्लिक को भी ऐसा डायरेक्शन दे देती है या मॉरलिटी का, तो ये प्रेशर्स जो होता है ये भी काम करता है। इंडिया वगैरह में हालांकि इतना नहीं है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में मॉरलिटी या मॉरल ग्राउंड्स पे भी लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। सिक्स है पब्लिसिटी। पब्लिसिटीज के अंदर आरबीआई वगैरह एडवर्टाइजमेंट देती है या बैंक्स वगैरह को एडवर्टाइजमेंट देती है कि इस सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ है, इसमें आप करो, इसमें आपको पब्लिसिटी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकती है। तो ये जो मेजर्स थे, मेथड्स थे या टूल्स या टेक्निक्स थी जिसके थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी को या मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। थैंक यू।